झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की ओर से पूरे झारखंड में किए जा रहे झारखंड संघर्ष यात्रा में 16 फरवरी को हेमंत सोरेन बोकारो विधानसभा क्षेत्र के सोनाबाद विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन ने एक तरफ जहां इस झारखंड संघर्ष यात्रा की कमान संभाली है, तो वहीं बोकारो के सोनाबाद में 16 फरवरी को होने जा रहे झारखंड संघर्ष यात्रा को लेकर बोकारो का एक नौजवान दूसरी तरफ बोकारो की कमान संभाल चुका है। बोकारो में हेमंत सोरेन के संघर्ष यात्रा की कमान जिस नौजवान ने संभाली है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हेमंत सोरेन की तरह ही राजनीतिक ही है। बात राजेश महतो की हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से 16 फरवरी को बोकारो विधानसभा के सोनाबाद स्टेडियम में होने जा रहे झारखंड संघर्ष यात्रा की कमान जिस नौजवान ने संभाली है, वे राजेश महतो ही है। राजेश महतो के पिता अकलू राम महतो झारखंड ही नहीं बिहार के वरिष्ठ राजनेता हैं, जो विधायक और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में गुरुजी के पुत्र हेमंत सोरेन जहां झारखंड के लोगों के लिए तीर कमान संभाल चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बोकारो में बोकारो के अभिभावक अकलू राम महतो के पुत्र बोकारो के लोगों के लिए तीर कमान संभाल चुके हैं। राजेश महतो वैसे तो राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और कम उम्र से ही सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेने लगे थे, पर जहां तक राजनीतिक सेवी से जुड़ने के इनके ताल्लुकात है, तो वह दौर 2012 के आसपास का दौर है। आप सभी को शायद याद होगा, चास बोकारो के आम लोगों की समस्याओं को लेकर 20 दिसंबर 2012 को चास ब्लॉक में राजेश महतो ने विशाल सभा से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। राजेश महतो के उस ऐलान को लोग हल्के में ले रहे थे, पर जब राजेश महतो ने तय तारीख में रैली निकाली और चास प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन किया, तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, लोग हक्के बक्के रह गए। उस कार्यक्रम के बाद राजेश महतो ने जब भी कोई बड़ा राजनीतिक प्रोग्राम किया, उनकी जिले में जरूर चर्चा हुई। कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर राजेश महतो ने बोकारो में अपनी सांगठनिक कौशल क्षमता का परिचय कराया और फिर उसके बाद उनकी बोकारो जिले में राजनीतिक भागीदारी शुरू हुई। राजेश महतो ने बोकारो में समय समय पर कई ऐसे बड़े कार्यक्रम किए जिसमें हमेशा लोगों की भारी हुजूम नजर आई, और उन कार्यक्रमों को देखने के बाद उनके धुर राजनीतिक विरोधियों को भी सोचने को विवश होना पड़ा। लंबे अरसे बाद एक बार फिर वही राजेश महतो गांवों की गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। उसी राजेश महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सोनाबाद में 16 फरवरी को होने जा रहे झारखंड संघर्ष यात्रा की मोर्चा संभाल ली है। राजेश महतो इस संघर्ष यात्रा को लेकर जनसंपर्क में निकल चुके हैं। झारखंड संघर्ष यात्रा को लेकर राजेश महतो की ओर से शुरू किए गए जनसंपर्क अभियान का हो सकता है कि उनके आलोचक एक बार फिर उसी तरह हल्के में ले, पर राजेश महतो का इतिहास रहा है। उन्होंने जब भी हुंकार भरी है, तो वह कम लोगों को सोचने को विवश करता रहा है आम लोग तो आम लोग, उनके आलोचक भी आश्चर्यचकित होते रहे हैं, और इस बार तो उन्होंने जेएमएम का तीर कमान भी संभाला हुआ है। बोकारो में एक बार फिर राजेश महतो संघर्ष यात्रा के ऐतिहासिक होने की बात उसी अपने पुराने अंदाज में बताते नजर आ रहे हैं। अब भले ही लोग इसे हल्के में ले, पर उन्होंने ठान लिया है। आइए सुनाते हैं इस संघर्ष यात्रा की तैयारी में जुटे राजेश महतो ने हमारे एंकर हिमांशु से बातचीत में क्या कुछ कहा।